हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग एसपी एजुकेशन टीवी। सो आज हम बात करने जा रहे हैं पीडीएफ का, जो हमारा टॉपिक 12th है स्पीकिंग का, उसके बारे में। और जैसे अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं जनरली वीडियोस क्यू कार्ड के रिगार्डिंग लेके आती रहती हूँ, जो भी न्यू पीडीएफ में से हैं। तो अगर आप न्यू आए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। डे बाय डे मैं जो वीडियो है वो अपलोड करती रहती हूँ। सो वन मोर थिंग इज दैट कि वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक जरूर देखना, ताकि आपको सही से सारी नॉलेज मिल सके कि कैसे आप क्यू कार्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हो इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्यू कार्ड है, डिस्क्राइब अ रूल दैट यू डोंट लाइक। आपने एक रूल के बारे में बताना है जो आपको पसंद नहीं है। यहाँ पे आप कोई भी रूल बोल सकते हो। अगर तो जस्ट इतनी स्टेटमेंट आए तो नो डाउट आप स्कूल में कोई रूल आपको नहीं पसंद था उसके बारे में भी बात कर सकते हो। और अगर आपने कोई और रूल है जो जनरली हमारी सोसाइटी वगैरह में है तो उसके बारे में भी बात कर सकते हो। जैसे आप उस पर बोल सकते हो कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में जैसे थिएटर्स होते हैं, तो थिएटर्स में क्या होता है कि आप ई टेबल्स लेके नहीं जा सकते, तो उसके बारे में भी आप बोल सकते हो कि आपको वो रूल पसंद है कि जो सिनेमा हॉल है उसमें आप बाहर से कुछ खाने के लिए नहीं लेके जा सकते। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा आप बोल सकते हो जैसे स्कूल्स वगैरह में अगर बात करनी हो तो यूनिफॉर्म जैसे सैटरडे या वीकेंड्स पे डिफरेंट होती है और बाकी वीकडेज में डिफरेंट होती है, तो आप उसके बारे में भी बात कर सकते हो। जो रूल आज मैं करने जा रही हूँ वो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इट इज, क्या है वो रूल, व्हाई यू डोंट लाइक इट, क्यों आपको ये रूल पसंद नहीं है, हाउ अदर्स फील अबाउट इट, बाकी इस रूल के बारे में कैसा सोचते हैं, एंड एक्सप्लेन वेदर यू हैव फॉलोड द रूल, और एक्सप्लेन करना है कि क्या आपने वो रूल फॉलो किया था उस टाइम पे जहाँ जो आपको रूल पसंद है वो आप फॉलो करते हो। सो इसके लिए आप जो मेन लाइन है, जनरल लाइन है, वो आप ऐसे लिख सकते हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर मेड टू क्रिएट अ पीसफुल एंड हारमोनियस सोसाइटी। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो बनाए जाते हैं ताकि एक पीसफुल और हारमोनियस सोसाइटी जो है वो बनाई जा सके। हारमोनियस का मतलब होता है आप बोल सकते हो अच्छी सोसाइटी, जहाँ किसी कोई चीज बिल्कुल लय में होना, गड़बड़ी नहीं होना, सही होना, तो उसको आप हारमोनियस बोल सकते हो। कोई चीज ट्यूनफुल होना, किसी वे में होना। एज डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट, ठीक है, अकम्प्लिशमेंट का मतलब होता है अचीवमेंट, कि डिसिप्लिन जो है वो एक तरह का ब्रिज है आपके गोल्स में। आप गोल्स को एस्पिरेशंस भी बोल सकते हो, आपके एस्पिरेशंस में और आपकी अचीवमेंट्स में एक तरह का ब्रिज है कि अगर आप डिसिप्लिन रखोगे ओनली देन यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल। सो ऐसे करके आप ये जो जनरल लाइन है वो आप लिख सकते हो। हियर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ रूल दैट आई डोंट लाइक इन स्कूल्स। आज मैं एक रूल के बारे में बात करने जा रही हूँ जो मुझे पसंद नहीं है स्कूल्स में। Actually, that rule is to carry ID cards throughout the day in school. वो रूल कौन सा है? ID cards carry करना throughout the day in the schools, कहने का मतलब सारा दिन ID card जो है वो आप अपने hang करके रखना, जो अपने पास रखना सारा दिन school में। ये रूल मुझे पसंद नहीं है जो school का है, उससे next हम करेंगे। I vividly remember, मुझे अच्छे से याद है, when I was in 10th standard, This rule was imposed in my school. ये जो रूल था मेरे स्कूल में भी जो है इम्पोज हुआ था जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था। As it was the part of the registration process, और ये registration process का ही एक part होता था उस time पे। A student was issued a student ID card and it was mandatory for all the students to carry the ID card all the time in school. और ये जो student को issue किया जाता था ID card, ये students के लिए mandatory होता था, जरूरी होता था, जहाँ बोल सकते हो जहाँ कंपल्सरी बोल सकते हो, होता था कि उनको कैरी करना पड़ता था आईडी कार्ड ऑल द टाइम इन स्कूल, के सारा दिन उनको अपने पास ही रखना पड़ता था। क्यों रखना पड़ता था? आप बोल सकते हैं माय इंस्टीट्यूट, मेरे इंस्टीट्यूट में क्या था, दिस वाज यूज्ड फॉर अटेंडेंस पर्पसेस, बस सर्विसेज ऑफ स्कूल, म्यूजिक क्लास एंड इवन फॉर बोरो बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। तो मेरे स्कूल में क्या था कि ये जो आईडी कार्ड था अटेंडेंस के लिए भी यूज होता था, अगर स्कूल की बस सर्विस जो आप यूज करते हो तो उसके लिए भी यूज किया जाता था, म्यूजिक क्लास के लिए भी अगर आईडी कार्ड होगा तभी एंट्री मिलती थी, और इवन अगर हमने बुक बोरो करनी होती थी लाइब्रेरी से तब भी हमारे पास हमारा आईडी कार्ड जो है वो होना कंपल्सरी था। सो उससे नेक्स्ट हम करेंगे। नो डाउट इट वॉज गुड टू हैव आइडेंटिटी कार्ड्स
इन स्कूल बट इट सीम्ड क्वाइट हार्ड वर्क टू कैरी दीज कार्ड्स ऑल द टाइम. नो डाउट कि जो आईडी कार्ड्स होना जो अच्छी बात थी बट वो चीज बहुत ही ज्यादा क्वाइट हार्ड वर्क कैरी का मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगती थी इन कार्ड्स को कैरी करना सारा दिन वो भी स्कूल में. All my batchmates and I did not like this rule. ये रूल मुझे और मेरे जो बैचमेट्स थे जो बाकी स्टूडेंट्स थे उनको पसंद नहीं था. अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा इट वॉज कम्पल्सरी फॉर ऑल द लर्नर्स नॉट टू फॉल और रिन्यू देयर आईडीज. तो ये बच्चों के लिए कंपल्सरी था कि वो अपना जो आईडी कार्ड है उसे फोल्ड ना करें और अपने आईडी कार्ड्स को रिन्यू ना करें. कहने का मतलब फोल्ड करके उसको डिस्ट्रॉय ना करें. इफ इट वॉज नॉट स्कैंड और स्टूडेंट पिक्चर वॉज अनआइडेंटिफाइएबल स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू रिप्लेस देयर कार्ड एट देयर ऑन एक्सपेंस. अगर तो उनका जो आईडी कार्ड है वो स्कैन नहीं होता था जहां स्टूडेंट की पिक्चर जो थी वो क्लियर नहीं होती थी अनआइडेंटिफाइएबल होती थी देन स्टूडेंट्स को बोला जाता था कि उनको अपने जो आईडी कार्ड है वो रिप्लेस करने पड़ेंगे और जो चार्जेस लगेंगे वो उनके ही होंगे बच्चों के ही होंगे. उनको अपने से खुद से पैसे खर्च करके जो अपना आईडी कार्ड है वो न्यू बनवाना पड़ेगा. सो इसीलिए ये रीजन था कि बच्चे जो थे डरते थे कि अपना जो वो कार्ड है वो रिन्यू ना करें. सो उससे नेक्स्ट हम करेंगे. बिसाइड दिस इसके अलावा इफ अ स्टूडेंट फॉरगेट हिज आईडी कार्ड एट होम ही हैड टू पे पेनल्टी फॉर इट और गॉट द स्लैप ऑन द रिस्ट. अगर कोई स्टूडेंट जो है अपना आईडी कार्ड घर भूल जाता था तो उसको फाइन पे करना पड़ता था पेनल्टी जो है वो पे करनी पड़ती थी और गॉट द स्लैप ऑन द रिस्ट. ये हमारा एक idiom है जिसका मतलब होता है लाइट पनिशमेंट मिलना. बिल्कुल हल्की सी या थोड़ी सी पनिशमेंट जो है वो मिलना उसके लिए आप ये idiom यूज कर सकते हो गॉट द स्लैप ऑन द रिस्ट. देन द फाइन फॉर द फर्स्ट ऑफेंस वॉज 100 rupees. अगर तो कोई पहली बार आई डी कार्ड घर भूलता था तब उसको सिर्फ 100 rupees पे करना पड़ता था. बट इफ अ लर्नर ब्रॉक द रूल More than twice, then the fine became double. जब क्या होता था कि अगर लर्नर जो है वो रूल बार बार ब्रेक करता था जब मोर देन ट्वाइस मतलब दो से ज्यादा बार रूल ब्रेक करता जाता था देन जो लर्नर था उसको फाइन डबल पे करना पड़ता था क्योंकि उसके फाइन की अमाउंट जो थी वो डबल हो जाती थी. Owing to the fear of penalty, जो due to the owing का मतलब होता है due कि फाइन के डर से All the classmates and I bite the bullet at that time. जो मेरी क्लासमेट थी और मैं था हम लोगों ने उस रूल को एक्सेप्ट किया. नो डाउट कि वो पेनफुल था. ये हमारे यहाँ पे एक idiom है bite the bullet. Bite the bullet का मतलब होता है कोई चीज जो है वो एक्सेप्ट करना पेनफुल बट जो necessary होना पेनफुल उसको एक्सेप्ट करना बट वो चीज जरूरी भी होना. तो जैसे वो रूल जरूरी था नो डाउट हम उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे बट हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ा क्योंकि वो नेसेसरी था उस टाइम पे. देन उससे नेक्स्ट हम करेंगे. लकीली आई नेवर ब्रॉक द रूल एंड ऑलवेज इंश्योर्ड दैट माय यूनिफॉर्म विद आईडी कार्ड वुड स्पिक एंड स्पैन. लकीली क्या था कि मैंने कभी भी रूल जो था ये नहीं तोड़ा था और हमेशा यही कोशिश रहती थी कि मेरे यूनिफॉर्म और मेरा आईडी कार्ड जो है वो यूनिफॉर्म हमेशा स्पिक एंड स्पैन हो. मतलब स्पिक एंड स्पैन हम यूज करते हैं नीट एंड क्लीन के लिए कि मेरी यूनिफॉर्म जो है हमेशा नीट एंड क्लीन हो यही मेरी कोशिश होती थी. टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट दिस वाज द रूल दैट आई डिड नॉट लाइक ड्यूरिंग माय एकेडमिक्स. तो ये रूल था जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था मेरी स्टडी के दौरान. देन ये था हमारा आज का क्यू कार्ड. सो अभी हम करते हैं फॉलो अप क्वेश्चन. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू स्कूल्स मेक रूल. स्कूल्स रूल क्यों बनाते हैं. तो इसका आंसर आप कर सकते हो Well, rules are useful guideline for the learners and schools make rule to maintain discipline. आप बोल सकते हो जो rules है वो एक तरह की useful guideline है learners के लिए. learner कौन से होते हैं आप students भी बोल सकते हो. And schools जो है वो rule बनाते हैं ताकि वो discipline maintain रख सके. These are the centers of learning where learners are molded into responsible human being. ये जो schools होते हैं ये एक तरह का learning center होते हैं जहां पे स्टूडेंट्स को मोल्ड किया जाता है एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बनाने के लिए. कहने का मतलब उनको एक शेप दी जाती है कि वो अच्छे ह्यूमन बीइंग बन सके इन द सोसाइटी जहां बोल सकते हैं इन द कंट्री. सो उससे नेक्स्ट हम करेंगे. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ओबेइंग लॉ. लॉ को ओबे करने की क्या इंपॉर्टेंस है आप इसका आंसर कर सकते हो. वेल इट इज क्रूशियल टू ओबे लॉ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है
लॉ को ओबे करना, बिकॉज विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस देयर वुड बी अटर क्योस एवरीवेयर. अगर रूल एंड रेगुलेशन नहीं होगी तो हर जगह पे क्या होगा, अटर क्योस होगा. कहने का मतलब सब कुछ बिखर जाएगा, पूरी तरह से बिखरा पड़ा होगा. एवरीथिंग वुड नॉट बी इन अ बैलेंस, कुछ भी बैलेंस में नहीं होगा. पीपल विल डू एनीथिंग अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस विच विल मेक दिस वर्ल्ड अ हेल. लोग अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे जो इस संसार को एक नर्क बना देगा, अगर रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो ओबे ना हो, जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो ना हो. सो ऐसे करके आप इसका आंसर कर सकते हो. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द रूल्स स्टूडेंट्स शुड फॉलो एट स्कूल. तो कौन से वो रूल्स हैं जो स्टूडेंट्स को फॉलो करने चाहिए स्कूल में, जहाँ बोल सकते हो लर्निंग इंस्टीट्यूट में. आप बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू माई परस्पेक्टिव देयर आर अम्प्टीन रूल्स दैट स्टूडेंट्स हैव टू ओबे. बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं, अम्प्टीन मतलब मेनी, बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो स्टूडेंट्स को ओबे करने चाहिए. फर्स्टली स्टूडेंट हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास. फर्स्टली तो स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन बैलेंस करके रखना चाहिए क्लास में. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा लर्नर शुड बी इन प्रॉपर यूनिफॉर्म एंड डू देयर वर्क डेली, या डू देयर होमवर्क डेली. लर्नर्स को प्रॉपर यूनिफॉर्म में होना चाहिए और साइड बाय साइड उनको अपना होमवर्क जो है वो भी डेली करना चाहिए. ये रूल्स हैं जो स्टूडेंट्स को फॉलो करने चाहिए स्कूल्स में. देन उससे नेक्स्ट हम करेंगे, आर द रूल्स एट स्कूल गुड और बैड एंड व्हाई. जो रूल्स होते हैं स्कूल में, क्या वो अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, अगर अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं तो क्यों ऐसा है. आप बोल सकते हो, विदाउट एनी डाउट रूल्स आर एडवांटेजेस फॉर ऑफस्प्रिंग्स इन स्कूल. जो रूल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ठीक होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं बच्चों के लिए स्कूल्स में, बिकॉज चिल्ड्रन आर क्लियर हेडेड एंड स्कूल्स आर द फर्स्ट प्लेस वेयर दे लर्न हाउ टू सर्वाइव इन दिस कॉम्पिटेटिव एरा एंड बिकम वाइज ह्यूमन बींग. क्योंकि वो क्लियर हेडेड होते हैं, कहने का मतलब आप बोल सकते हो कि इनोसेंट होते हैं, और स्कूल ही ऐसी फर्स्ट प्लेस है यहाँ पे वो सीखते हैं कि कैसे इस कॉम्पिटेटिव जमाने में, कैसे इस कॉम्पिटिशन के युग में उन्होंने सर्वाइव करना है एंड एक वाइज ह्यूमन बींग बनना है, कहने का मतलब अच्छे ह्यूमन बींग जो है वो बनना है. तो ऐसे करके आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो. उससे नेक्स्ट है, हाउ आर पीपल पनिश्ड व्हेन दे पार्किंग एट अ रॉन्ग स्पॉट. अगर लोग जो है वो पार्किंग रॉन्ग स्पॉट पे करते हैं तो उनको कैसे पनिश किया जाना चाहिए. तो आप बोल सकते हो, वेल इफ मासेस डू सो देन गवर्नमेंट शुड चार्ज फाइन फ्रॉम देम फॉर देयर रेकलेस एटीट्यूड. गवर्नमेंट को फाइन चार्ज करना चाहिए उनके रेकलेस एटीट्यूड की वजह से, जो उन्होंने ऐसे किया है ग्राउंड स्पोर्ट पे किया है, तो उसके लिए उनको फाइन जो है वो चार्ज करना चाहिए उस पर्सन से. दिस विल बी एन एग्जांपल फॉर अदर वंस. ये दूसरों के लिए एक तरह की एग्जांपल होगी. दे विल थिंक मल्टीपल टाइम्स बिफोर कमिटिंग दिस सेम मिस्टेक. वो बहुत बार सोच लेंगे, मल्टीपल टाइम्स सोचेंगे ऐसी मिस्टेक करने से. सो ऐसे करके आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो. सो ये थे हमारे आज के फॉलो अप क्वेश्चंस एंड क्यू कार्ड. होप है कि आपको सारा कुछ अच्छे से समझ आया होगा. मैंने बहुत ही इजी आइडिया लेने की यहाँ पे कोशिश की है ताकि आप लोग को समझ आ सके अच्छे से. और प्लीज़ वन रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड इज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल. इट मीन्स अ लॉट टू मी. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.